गोली मारिए मुकदमा कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम ये जवानी है आबाद जिंदाबाद जिंदाबाद ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम तो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा सुनील सिंह जी ये चोट कैसे लगी है क्या हुआ था ये चोट हम लोग आज जितने भी समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं हम लोग आज यहाँ मंत्री जी आए हैं शिक्षा मंत्री जी इन्होंने छात्र संघों पे ताला डालने का काम किया है आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर के इनके इनसे बात करने आए थे मंत्री जी से कि आप भी छात्र संघ से निकले हो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप छात्र संघ से निकले हुए नेता हो आज सरकार में मंत्री हो आपने आज छात्र संघ में ताला डाला है तो हम इनके शर्म का एहसास इनको कराने आए थे लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार शायद उत्तर प्रदेश के नौजवानों का खून ही मांग रही है तो हम सारे नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए हम लोग खून देने को भी तैयार हैं लेकिन इस सरकार से निजात दिलाएंगे हम प्रदेश की जनता को इस प्रदेश के किसानों को नौजवानों को मजदूरों को हम लोगों ने संकल्प लिया है अब यही खून बहे सड़कों पर या समाजवादी नौजवानों की जान भी चली जाए लेकिन हम लोग कब तक मांगे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग है केवल छात्र संघ बहाल करो और इन मंत्री से सिर्फ इतना मैं कहने आया था हम सारे लोग हम कहने आए थे कि आपको तो शर्म करनी चाहिए आप तो छात्र संघ से निकले हो आप अगर इतने दब्बू हो मायावती के तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ये चोट आई है उत्तर प्रदेश की सरकार जब आज 8 महीनों में सारे मुद्दों पर विफल हो तो सिर्फ पुलिस के बल पर अपना शासन करना चाहती है पुलिस को आगे करके अपने कमियों को छिपाना चाहती है जो वो लूट कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को जो सब अरबपति बनना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के मंत्री उन पर हम लोग जब आगे आंदोलन किए तो पुलिस का सहारा लेकर उन लोगों ने नौजवानों पर अत्याचार किया है ये पुलिस की लाठी है हमारे सर पे लगी है कई नौजवानों के सर पे लगी है लेकिन हम लोगों को परवाह नहीं है हम लोग अभी भी नारा दे रहे थे ये जवानी है कुर्बान हम लोग माननीय मुलायम सिंह जी के सिपाही हैं हम लोग दबने वाले नहीं हैं हम लोग डरने वाले नहीं हैं हम लोग जान गंवा कर भी इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब नहीं सिर्फ इसलिए सर आपकी वजह ना यहां आप भी आप सारे चले से निकल के आए हैं खुद चले जाएंगे नहीं चलो गाड़ी ले नहीं नहीं भाई वहां जाएंगे वहां तो नहीं मिलेगा दो नहीं आप मुझे अकेले मिला मीडियम साहब है नहीं मिलने दिया गया हमें गिरफ्तारी का आदेश दिया गया मैं नहीं पुराने आदमी सर मैं मंत्री जी से क्यों नहीं पूछना चाहता हूँ मैं कुछ नहीं क्या बैठना नहीं है ये तो बात है